लास्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे ऑनलाइन में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो लास्ट क्लास में वी डिस्क्राइब फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, क्वीन प्राइम नंबर, को प्राइम, सभी का डिफिनेशन को तो डिस्क्राइब किए थे विथ एग्जांपल्स एंड वर्कशीट वन स्टार्ट किए थे। वर्कशीट वन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप। तो वर्कशीट वन का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 7 तक हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, 7 तक हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, यस या नो? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बिटवीन विच मल्टीपल्स ऑफ 10 डज 3, 4, 8, 6 लाइक। 3, 4, 8, 6 जो है किस मल्टीपल के बीच में होगा 10 का? 3, 4, 8, 6 से पहले 10 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 4, 8, 0, और उसके बाद क्या होगा? 3, 4, 9, 0, एंड 3, 4, 8, 0 और 3, 4, 9, 0 के बीच में होगा। 3, 4, 8, 0 एंड 3, 4, 9, 0 के बीच में होगा। राइट एनी फोर पेयर ऑफ ट्वीन प्राइम्स। ट्वीन प्राइम्स का एग्जांपल्स एंड डिफिनेशन कल बताए थे कि दो प्राइम नंबर के बीच डिफरेंस 2 होगा तो ट्वीन प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 कल बताए थे, 7 एंड 11, 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19, ये बताए थे कल आपको हम ट्वीन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल। इसके अलावा 5 ट्वीन प्राइम नंबर आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हम जो बता दिए थे यानी 20 के बाद, 20 तक तो बता ही दिए, 17 एंड 19 ट्वीन प्राइम नंबर है। 20 के बाद तो कोई ट्वीन, 5 ट्वीन प्राइम नंबर आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 20 के बाद चैट बॉक्स में लिख के बताइए 5 ट्वीन प्राइम नंबर। पेयर बना के लिखो, 23 और 27 में होगा नहीं होगा? आरिफा, 23 27 में होगा? हम दोनों के बीच जैसे पेयर बना के हम लिखते हैं वैसे लिखिए ना। जैसे हम क्या बोले आप, 3 एंड 5 वन पेयर हो गया, सिमिलरली हम बोले 5 एंड 7 सेकंड पेयर हो गया, फिर हम बोले 11 एंड 13 ये पेयर हो गया, फिर हम बोले 17 एंड 19, इस तरह से बोले ना। आप भी कुछ लिखिए इस तरह का, जैसे एक पेयर दिख रहा है आपको यहाँ पे, दो तीन सही दिख रहा कि 41 एंड 43, 59 एंड 61, 71 एंड 73। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। ट्वीन प्राइम नंबर का डिफिनेशन भी बताया थे, आज का क्वेश्चन हो गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यू नो दैट को प्राइम किसको कहते हैं? जब दो नंबर के बीच सिर्फ वन फैक्टर कॉमन हो, 13 एंड 14, तो 13 का
1 and 13 and 14 ka 1 2 7 14 1 2 7 14 is dono ke beech kya sirf one common hai ye co prime hai this is a co prime number dusra hai 8 and 20 8 ka hai 1 2 4 8 aur 20 ka hai 1 2 4 5 10 20 इसके बीच 1 भी पावर है 2 भी पावर है 4 भी पावर है ये को प्राइम नहीं ओके ये को प्राइम नहीं है और ये को प्राइम है क्योंकि इसके बीच सिर्फ 1 पावर फैक्टर है उसी तरह से 31 एंड 15 है ED जो को प्राइम नंबर 34 एंड 85 ये भी नहीं है इसके लिए इस तरह से लास्ट क्लास और आज दोनों मिलाकर के हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल का वर्कशीट 1 बना लिए वर्कशीट 1 में कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए नमन प्रभाकर बाल खुजला रहे कोई प्रॉब्लम है नमन प्रभाकर कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्वेश्चन 8 किसने लिखा 3, 4, 8, 6 के बारे में हम बताएं कि 3, 4, 8, 6 के पहले क्या होगा 3, 4, 9, 0 और 3, 4, 8, 0 इसी के बीच में ये है 10 का मल्टीपल किस 10 के मल्टीपल के बीच में ये है इससे पहले 10 का मल्टीपल क्या आएगा 3, 4, 8, 0 इसके बाद क्या आएगा 3, 4, 9, 0 यानी ये 3, 4, 8, 0 और 3, 4, 9, 0 के बीच में है क्वेश्चन 8 आरिफा हसनैन खान का था हो गया और कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट वर्कशीट 1 में है तो बोलिए कोई कंफ्यूजन या डाउट वर्कशीट 1 में है तो बोलिए कोई कंफ्यूजन या डाउट वर्कशीट 1 में है तो बोलिए नो इसमें नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टराइजेशन करना है स्क्वायर रूट निकालना है क्यूब रूट निकालना है इन दिस क्वेश्चन जो आगे चल कर क्लासेस में पढ़ेंगे उसमें टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में पहला है 2 का कि 2 से डिविजिबल कब होगा तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 2 कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका वन प्लेस का नंबर डिविजिबल होगा कोई भी नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसका वन प्लेस का नंबर डिविजिबल होगा ओके फॉर एग्जांपल या वन प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो एग्जांपल के लिए अगर कहीं पर फर्स्ट है डिजिबिलिटी बाय 2 डिजिबिलिटी बाय 2 इसका स्टेटमेंट बुक में है हम बोल भी दिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट ऑफ वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 2 वन प्लेस का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर
टू से डिविजिबल होगा, ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग समझ जाएंगे वो तो टू से डिविजिबल है या नहीं। अगर आपके एग्जांपल अगर आपके पास 368 है, 368 इस नंबर के बारे में पता करना है कि ये टू से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वन प्लेस पे क्या है, इसका वन प्लेस पे एट है और एट इज डिविजिबल बाय टू, इट मींस कंप्लीट यानी 368 इज डिविजिबल बाय टू। दूसरा एग्जांपल 490 है, जीरो है तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा, 496 है, सिक्स डिविजिबल बाय टू। इस तरह का नंबर जिसका यूनिट प्लेस, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस में एट हो, जीरो हो, सिक्स हो, टू हो, फोर हो, ये सब नंबर क्या है, टू से डिविजिबल है, ये सब नंबर टू से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय टू है या नहीं है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं ना, यस या नो, डिविजिबिलिटी ऑफ टू आपको समझ में आ गया। ओके आपका रिप्लाई आ गया, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड है डिजिबिलिटी बाय फाइव, डिजिबिलिटी बाय फाइव, फाइव से डिजिबिलिटी का है, तो फाइव से डिजिबिलिटी का रूल्स है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव If the digit at one place is 0 or 5, I repeat, a number is divisible by 5, a number is divisible by 5, the digit at one place is 0 or 5, one place पे 0 or 5 रहेगा, वो number 5 से divisible होगा, otherwise नहीं होगा, 0 or 5 होना चाहिए। Example, कहीं पे अगर 1565 है तो यूनिट प्लेस पे 5 है, इट मींस ये 5 से डिविजिबल है, 1960 है यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 से डिविजिबल है। अगर मान ले कहीं पे 2461 तो 15 से डिविजिबल नहीं है इसलिए नहीं है, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 रहेगा तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 2 के लिए क्या बोले, यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल होगा, वो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या इसको अदर वर्ड में बोलेंगे यूनिट प्लेस पे 0 6 2 4 8 रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 से यूनिट प्लेस में अगर 5 रहेगा, 0 रहेगा तो डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नो। इट इज क्लियर। तीसरा है डिजिबिलिटी बाय 10, थर्ड है डिजिबिलिटी बाय 10, डिजिबिलिटी बाय 10, 10 के लिए जो सिंपल सा रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 वंस प्लेस इन 0, वंस प्लेस में 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 240 340 550 1000 1010 कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, यूनिट प्लेस में 0 इट मींस डिविजिबल बाय 10, यूनिट प्लेस में 0 इट मींस डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट डिजिबिलिटी बाय 4, 4 है डिजिबिलिटी बाय 4, 4 से डिविजिबल होना है, तो
फोर से डिविटी के लिए है, ए नंबर इज डिविजुअल बाय फोर, ए नंबर इज डिविजुअल बाय फोर इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इफ डिजिट एट टेंस एंड वन प्लेस इज डिविजुअल बाय फोर। अगर टेंस और वन प्लेस का नंबर फोर से डिविजुअल है, इट मीन्स होल नंबर इज डिविजुअल बाय फोर। जैसे वन नंबर है 6943284, 6943284, इस नंबर को चेक करना है कि ये फोर से डिविजुअल है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या खोजेंगे, इसके यूनिट और टेन प्लेस में कौन सा नंबर है, 84 है। इसके यूनिट प्लेस और टेन प्लेस हम लोग जानते हैं कि प्लेस इधर से काउंट करते हैं, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख। यूनिट और टेन प्लेस में जो नंबर है वो है 84 है। यूनिट प्लेस का नंबर 8 और 4 क्या है, 84 है। और 84 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, एग्जैक्टली डिविजुअल है। इसलिए ये नंबर जो है 4 से डिविजुअल है। यानी हम सिर्फ 10 और यूनिट प्लेस के नंबर को से पहचान लेंगे तो वो 4 से डिविजुअल है या नहीं। ओके, एनी प्रॉब्लम? 4 का डिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है इसमें, यस या नो? फोर का डिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिएगा, यूनिट प्लेस और टेन प्लेस के नंबर को लिखिए और उसको 4 से डिवाइड कीजिए। If it is divided by 4, then whole number is divisible by 4. And not divided by 4, whole number is not divisible by 4. बात समझ में आया? Yes or no? Boys, girls, फोर से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, ये आपको समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट है डिजिबिलिटी बाय 8, 5। डिजिबिलिटी बाय 8 के लिए है कि किसी नंबर, एनी नंबर, यूनिट प्लेस, टेन प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, तीनों नंबर अगर 8 से डिविजिबल है उसको बोलते हैं डिविजिबल बाय 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट हंड्रेड, टेन्स एंड वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अगर आपका 100, 10 और वन प्लेस का नंबर 8 से डिविजुअल है तो वो नंबर, होल नंबर 8 से डिविजुअल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर है 3364280, एक नंबर है, इसको पता करना है कि ये 8 से डिविजुअल है या नहीं। इसके यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस में जो नंबर है वो है 280। यूनिट जिस तरह से हमने 4 वाले में यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को कंसीडर किए थे, सिमिलरली 8 के डिजिबिलिटी में यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, उस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। 280 इज डिवाइड करेंगे 8 से, 8 सीरीज आर 24 and 8 5 of 14, the 280 divisible hai, jiska matlab the whole number is divisible by 8, whole number is divisible by 8। aur ab hai 0 ke liye, agar if the number is 0 in the 10 and 1 place divisible by 4, agar 0
टेन प्लेस और वन प्लेस में रहेगा तो फोर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर जीरो जो है वन प्लेस एंड टेन प्लेस में होगा तो फोर से डिविजिबल होगा, और अगर जीरो हंड्रेड टेन एंड वन प्लेस में रहेगा तो वो एट से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2500 है जिसका यूनिट प्लेस और हंड्रेड प्लेस जीरो है, ये डिविजिबल होगा, ये फोर से डिविजिबल होगा। और अगर एक और नंबर लेते हैं 34000, इसमें यूनिट प्लेस और टेन प्लेस और हंड्रेड प्लेस तीनों पे जीरो है, ये नंबर एट से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर यूनिट और टेन प्लेस पे नंबर तो जीरो है तो फोर से डिविजिबल होगा, अगर यूनिट टेन एंड हंड्रेड तीनों प्लेस का नंबर जीरो है तो वो एट से डिविजिबल होगा, ओके, तब वो एट से डिविजिबल होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो वर्कशीट टू से पहले ये रूल्स को हमको सीखना है। ऐसे डिजिबिलिटी का और भी रूल्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले अब हम लोग वर्कशीट टू बनाएंगे। तो हम लोगों ने अभी जो डिजिबिलिटी रूल पढ़ा उसमें डिजिबिलिटी बाई टू, डिजिबिलिटी बाई फाइव, डिजिबिलिटी बाई टेन, डिजिबिलिटी बाई फोर, डिजिबिलिटी बाई एट एंड जीरो के बारे में पढ़े कि यूनिट प्लेस और टेन प्लेस में जीरो है तो फोर से डिविजुअल, और यूनिट टेन और हंड्रेड प्लेस में जीरो है तो एट से डिविजुअल। इसीलिए आप इसी पर बेस्ड है आपका वर्कशीट टू, इसी पर बेस्ड जो है वो है वर्कशीट टू। इसको इरेज कर दें, ये सारा डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अब वर्कशीट टू आप लोग बनाइए, सब लोग अपने अपने कॉपी में वर्कशीट टू बनाइए। वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर वन का ए, इसमें पूछ रहा है, कुछ नंबर दिया है और पूछ रहा है कि कौन कौन सा नंबर टू से डिविजिबल है। यहाँ पे नंबर है 4, 3, 5, 6, 4, 5, 2, 9, 8, 8, 3, 8, 7, 0 and 5, 2, 1, 1 and 9, 3, 4, 3। इसमें पूछ रहा कि कौन कौन सा नंबर जो है टू से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या पढ़े डिजिबिलिटी रूल का? टू का डिजिबिलिटी रूल है कि यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, या यूनिट प्लेस पे जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, ये सब आएगा तो टू से डिविजिबल है। इसके यूनिट प्लेस पे टू से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके यूनिट प्लेस पे टू है ये होगा, इसके यूनिट प्लेस एट है ये होगा, इसके यूनिट प्लेस पे जीरो है तो होगा, वन वन है तो नहीं होगा, और 9, 3, 4, 3 है तो नहीं होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं अगर हमको रूल्स याद है ये नंबर टू से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ओके। उसी तरह से बी में पूछ रहा है
उसी तरह से आपको बी में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 5 2 2 9 7 6 5 1 3 4 5 0 1 2 2 8 7 7 5। इस नंबर में आपसे पूछ रहा है कि द नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 के लिए आपको बताया गया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा या 5 होगा, यूनिट प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा तो डिविजिबल होगा। इसके यूनिट प्लेस में ना 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिविजिबल है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 से है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है 5 नहीं है तो नहीं, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट है सी नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें है 7 7 8 0, ये है 1 पे 4 0, फिर नेक्स्ट है 2 5 6 7, एंड नेक्स्ट है 5 7 5 1 4, 5 7 5 1 4, फिर नेक्स्ट है 8 2 2 1 0, 8 2 2 1 0, आपको 22 10। अब इसमें पता करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग जानते हैं यूनिट प्लेस में 0 होगा तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसके यूनिट प्लेस में 0 है तो यस है, तो यस नो नो यस ओके। किसका आया है, वन का फिर से समझा दीजिए, वन का फिर से समझा दीजिए प्लीज। ओके, वन में पूछ रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये क्वेश्चन है। वन ही ना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या रूल्स है, कि उसके यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, या 0 हो प्लेस तो भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो जब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 2 से डिविजिबल होगा, यस या नो, इसका क्वेश्चन है और रिप्लाई कीजिए, क्या ये 5 2 से डिविजिबल होगा, यस या नो। नो, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2, यस या नो, 8 जो है 2 से डिविजिबल है, यस 2 से जब डिविजिबल है इट मीन्स ए कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। इसके यूनिट 0 है इसलिए डिविजिबल है, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये नहीं होगा, और इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी इस तरह से हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देख करके बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, समझ में आ गया बेटा, जिसका क्वेश्चन था उससे पूछ रहे हैं, समझ में आ गया, रिप्लाई दीजिए, यस सर। एनी प्रॉब्लम, इसमें जो आपका बुक होगा आपके सामने, तो बुक में एक क्वेश्चन पूछ रहा था 2 का, एक क्वेश्चन पूछ रहा था 5 का, एक क्वेश्चन पूछ रहा था 10 का। अब आपसे है नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो 4 से, तो 4 में 1 बाय 1 आपको बनाना पड़ेगा। जैसे डी, डी में है 4 9 2 4,
फिर है 63402, फिर है 11507, फिर है 36572। इसको पूछ रहा कि ये फोर से डिविजिबल है या नहीं। तो फोर से डिविजिबिलिटी का रूल था कि इसके यूनिट और टेन प्लेस का नंबर अगर फोर से डिविजिबल होगा, इसके यूनिट और टेन प्लेस में क्या है 24, और 24 जो है फोर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये यस हो गया। इसके यूनिट प्लेस क्या है 02, ये फोर से डिविजिबल नहीं है, ये नो हो गया। इसका 07 ये भी नहीं है, इसका 72 है। 72 को आप जानते हैं कि फोर से डिविजिबल है, 4 1 4, 4 8 20 ये है। फोर का जीरो सीख गए, फोर का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए। यहाँ पे इसके यूनिट और टेन प्लेस पे 24 था, और 24 इज डिविजिबल बाय 4, इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसके यूनिट और टेन प्लेस पे 0 10 8 2 था, और 02 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 4, इट मींस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके यूनिट पे 07 था यूनिट टेन प्लेस पे, ये भी नहीं हो गया। इसके यूनिट और टेन प्लेस पे 72 था, तो 72 इज डिविजिबल बाय 4, इट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 8 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, यस या नो? 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। ये चारों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको? तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं 8 का ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में है 7 8 9 9 8 7 8 9 9 8 4। इसको पूछ रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 02 4 से डिविजिबल नहीं है बेटा, 4 से चेक करना है ना, 4 से रहेगा तब ना कहेंगे यस, 4 से नहीं है ये। 02 जो है, 02 का मतलब क्या 2, और 2 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए उसको होगा। यहाँ पे 8 से चेक करना है, तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट से 3 डिजिट यूनिट 10 और 100 984 को चेक कीजिए ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 1 जा 8 1 और 18 8 2 जा 16 2 और 4 8 3 जा 24 है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। समझ में आ गया बात? 8 से चेक करने का तरीका यूनिट प्लेस, टेन प्लेस, 100 प्लेस, ये तीनों का जो नंबर है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो हो जाएगा। ओके, इस तरह से 1 का ए बी सी डी ई सब बन जाएगा। सब समझा दिए? इसमें कोई दिक्कत है बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। 1 का ए बी सी डी ई आपको हम बता दिए, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बना लीजिएगा। और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल हम जो है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन क्लास में अलग कंटिन्यू करेंगे, ऑफलाइन क्लास में अलग से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। अब लेस देन 1 मिनट है, इसलिए क्लास को कंक्लूड करते हैं। बाय।